हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुति एंड हिमानी। तो आज हम जा रहे हैं घूमने धर्मशाला, तो चलिए आप भी चलिए हमारे साथ। और ये है पालमपुर, आप सब जानते होंगे, यहाँ पे हैं चाय पत्ती के बागान। और चलिए, और अब पालमपुर से सीधा पहुँच गए हम चामुंडा जी, और बहुत ही सुंदर जगह है चामुंडा माता का मंदिर, आप सबने देखा ही होगा। और अभी सर्दियों के टाइम में यहाँ पे रश तो इतना नहीं था, बट हाँ फिर भी कुछ थे टूरिस्ट। और बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ है माता का, तो देख लीजिए आप खुद ही। और अब माता के मंदिर से मैं आपको ये बता देती हूँ पहले कि धर्मशाला पड़ता है 19 किलोमीटर। और तो अब हम दर्शन करने आ गए थे। तो माता की ये स्टोरी है कि आदिशक्ति जो है पार्वती, तो उनका यहाँ पे सिर गिरा हुआ था। जैसे और जगहों पे भी माता के जो जो अंगिर थे वहाँ पे शक्तिपीठ बन गए हैं, वैसे ही यहाँ पे भी चामुंडा, श्री चामुंडा जी का मंदिर बन गया है, मतलब बनाया गया है उसके बाद। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा और सुंदर मंदिर है, आप सबको पता होगा। तो माता की एक और चीज़ जो शायद ही आपको पता होगी कि जो माता का श्रृंगार है वो भस्म के साथ किया जाता है, क्योंकि इसके साथ ही जो मंदिर के साथ ही में मुद्दा मतलब घर भी है, वहाँ पे जलाए जाते हैं। तो वो चीज़ भी मुझे बहुत अलग लगी माता के मंदिर में। और हम यहाँ पे बैठे हुए थे, और आजकल सर्दियों का टाइम है तो यहाँ पे अभी पानी भी नहीं है, वरना यहाँ पे मतलब ये पूरा भरा हुआ था पानी से, और बहुत ही सुंदर लगता है उस टाइम पे। और बस अब आप दर्शन करिए माता के। तो अच्छे से माता के दर्शन करने के बाद और लंच करने के बाद अब हम पहुंच गए थे स्टेडियम। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं स्टेडियम घुमाने। मैं पहले भी गई हूँ स्टेडियम, बट अब काफ़ी टाइम के बाद जा रही हूँ कोविड के वजह से भी, और वैसे भी। तो देखिए आप ही, ये मेन एंट्रेंस था, और इसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है स्टेडियम के लिए रास्ता आगे को। कोविड की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन तो थी, बट फिर भी स्टेडियम खुला ही था सबके लिए। एंड रश तो, और उस टाइम क्रिसमस भी था, मतलब बहुत ज़्यादा रश था उस टाइम। और देखिए आप यहाँ पे कितना रश था उस टाइम पे, बहुत से टूरिस्ट घूमने आए थे, तो ऑब्वियसली अगर धर्मशाला आएंगे तो स्टेडियम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। एंड हाँ, मज़ा भी काफ़ी आ रहा था, मैच तो लगा हुआ था वहाँ पे लोकल को ही शायद, तो बस हमने देखा थोड़ा सा और फिर हम फोटोज़ क्लिक करके निकल गए वहाँ से। और अब स्टेडियम जाने के बाद हम वापस, ओ सॉरी, वापस मतलब मेरी बहन का रूम है इधर दाड़ी में, तो हम वहाँ गए थे रेस्ट करने, क्योंकि थक भी गए थे ना सफ़र करने के बाद।
तो बस अब ये उसके रूम से थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, धौलाधार की रेंज, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ से तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है ये। बर्फ गिरा है आजकल, तब तो क्या ही कहें। और चलते हैं मैक्लोडगंज। ये है मैक्लोडगंज का रास्ता। तो मैक्लोडगंज जाने के लिए आपको कोतवाली से दो रास्ते मिलेंगे, कोतवाली जो सिटी है वहाँ से। एक लॉन्ग पट्टा है, थोड़ा सा एक आधा किलोमीटर का फ़र्क है, लेकिन जो दूसरा रोड पट्टा है वहाँ पे मैक्सिमम टैक्सी ज़्यादा चलती हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक्स भी रहता है, ट्रैफिक का काफ़ी मतलब ये है वहाँ पे, तो वो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आप दूसरे लॉन्ग वे से भी जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ट्रैफिक नहीं पड़ेगा अगर आप पर्सनल कार से जा रहे हैं। और अगर आपको ये गाड़ी करनी होगी मतलब टैक्सी, तो उसके आपके 250 लगेंगे वन साइड के। तो वैसे आप मतलब जा सकते हैं मैक्लोडगंज, और धर्मशाला से 10 किलोमीटर पड़ता है मैक्लोडगंज। तो चलिए, गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, हर तरफ लोग ही लोग हैं, रश कुछ खाने। इवनिंग टाइम था तो, और ये एक होटल था वहाँ पे, होटल नहीं आई मीन कैफे एंड कुछ समथिंग, तो बहुत ही यूनिक था ये। ये देखिए आप इसका इंटीरियर एंड मतलब यहाँ पे कुछ एंटिक पीस ही लग रहे थे, मतलब अलग चीज़ें जो कभी देखी भी ना हो, और बहुत ही सुंदर था ये। यहाँ पे बौद्धा के बहुत चीज़ें रखी हुई थी, उनका कुछ कुछ था जो हमें मतलब इतना कुछ समझ भी नहीं आ रहा था वहाँ पे। एंड इसका नाम था कुछ नॉर्बिंगा करके, तो देखिए आप ये व्यू बाहर का था यहाँ से, मतलब यहाँ बाहर बैठ के भी आप अपना एंजॉय कर सकते हो। यहाँ से मतलब मैक्लो का पूरा व्यू आपको दिखेगा, बहुत ही सुंदर। ये है मोनेस्ट्री जो मैक्लोडगंज के मतलब बिल्कुल बीच में है और स्टार्टिंग में ही समझ सकते हैं, और मोनेस्ट्री बहुत ही सुंदर है। और ये एक शॉप थी, ये भी बहुत ही मतलब यूनिक सी थी। यहाँ से हमने जैकेट्स खरीदी थी दो, और हमें इस पर काफ़ी डिस्काउंट भी मिल रहा था, तो ये मतलब अच्छा प्राइस लगा इसका। बहुत ही अलग सी शॉप थी ये, इसमें मतलब काफ़ी चीज़ें यूनिक थी, देख लीजिए आप खुद ही। और यहाँ से भी हमने जैकेट में शर्ट कुछ खरीदा था, हम भी बहुत अच्छा सामान मिलता है।
और इवनिंग के टाइम में तो रश और भी ज़्यादा हो रहा था, बल्कि बढ़ता ही जा रहा था। एंड बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये मेरे मामू मामी हैं, ये भी आए थे हमारे साथ में, मतलब शाम को ये भी आए थे। तो बस अब हम थोड़ा सा कुछ इन्जॉय कर रहे थे और इसके बाद हमने डिनर जाना था, डिनर करने। तो बस आप थोड़ा सा इन्जॉय कर लीजिए इवनिंग व्यू यहाँ पे मैकलोनगंज का। और अब हम डिनर करने आ गए थे विनोद रसोई, जो कि बहुत ही यम्मी खाना था यहाँ पे, बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही सुंदर था ये होटल, बहुत ही अच्छा था। मतलब यहाँ पे खाने के लिए रेस्टोरेंट में बहुत ही अच्छी चीज़ें थी और बहुत ही मज़ा आया डिनर करके। और बस उसके बाद हमने डिनर किया और हम वापस रूम को आ गए और बस रेस्ट किया एंड देन अगले दिन घर आ गए। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। मामा।